तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना महामारी को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वीडियो जारी कर एक बार फिर से चीन मसले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा क्यों भारत का दुश्मन बना हुआ है चीन, बताए प्रधानमंत्री मोदी। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज कहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि UNESC की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी 2030 तक सबके पास होगा खुद का घर भारत में। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि JNU के छात्र शर्जिल इमाम को हिरासत में लेने असम पहुंची दिल्ली पुलिस। नागरिकता संशोधन कानून और NRC का किया था शर्जिल इमाम ने विरोध। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ मामला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जय दोस्तों, क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार ने बकरा ईद त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी की है, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि SOG ने दर्ज की गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ FIR। आरोपों पर केंद्र मंत्री ने दिया बड़ा जवाब। वहीं कांग्रेस में पायलट करेंगे वापसी, देर रात चिदंबरम को लगाया फोन, कहीं बड़ी बात। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने भी SOG की टीम को होटल के अंदर नहीं घुसने दिया है। जी दोस्तों, विस्तार से सब कुछ बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में जो है आप नेता ताहिर हुसैन को क्लीन चिट कहा। BJP नेताओं ने कराया दंगा और जबरदस्ती मुस्लिम होने की वजह से ताहिर हुसैन को इसमें घसीटा गया है। जी, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट फिर से आई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि IDO फर्जी को लेकर राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने लगाए गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस से नहीं संभल रहा अपना राज, इसीलिए लगा रही है BJP पर आरोप। जहाँ दोस्तों, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पालघर माओ लिंचिंग की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। कहा मुंबई पुलिस ही इसमें जांच करेगी। जय दोस्तों, सब खबरों को विस्तार से बताएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो वीडियो जारी कर एक बार फिर से चीन मसले पर राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा क्यों भारत का दुश्मन बना हुआ है चीन प्रधानमंत्री मोदी, देश की जनता को बताए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार की विदेश तथा आर्थिक नीति को बेहद कमजोर बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, जिसे देखते हुए चीन को लगा कि यही अनुकूल समय है और इसका फायदा उठाकर चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की और उसने भारत की जमीन को हटाया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है और दुनिया के साथ इन देशों ने भारत के संबंध बेहतर बनाने में मदद भी की, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा भारत और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल में है। जहां तक उसकी विदेश नीति का सवाल है तो आज अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। इससे पहले आगे राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले नेपाल, भूटान, श्रीलंका हमारे मित्र राष्ट्र थे, पाकिस्तान के अलावा सारे पड़ोसी भारत के साथ काम कर रहे थे मिलकर और उन्होंने खुद को भारत के साथ भागीदारी के रूप में देखा, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। हमारे संबंध पड़ोसियों देशों के साथ खराब हुए हैं, इसीलिए श्रीलंका ने चीनियों को एक बंदरगाह दे दिया, मालदीव परेशान है, भूटान परेशान है, हमने अपने विदेशी सहयोगों और पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर लिए हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति। इसी को देखते हुए चीन ने फैसला किया कि अब भारत में घुसें और भारत की सीमा में घुसकर उसकी जमीन छीने, क्योंकि उसके सभी पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं है और उसका कोई भी मदद भी नहीं करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर चीन मसले को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी 2022 तक सबके पास होगा खुद का घर भारत में। और आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की लड़ाई को हमने जन आंदोलन बनाया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने
कई बड़े ऐलान भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में डायरेक्ट बेनिफिशियर प्रोग्राम के तहत 400 करोड़ रुपये बैंक खातों में हमने डालकर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एजेंडा 2023-30 पर तेजी से काम कर रहे हैं। शुरुआत से ही हमारा उद्देश्य रहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने विकासशील देशों की कोरोना महामारी के टाइम में भी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से चलाई गई खाद्य सुरक्षा योजना से 830 मिलियन नागरिकों को लाभ पहुंचा है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक देश के हर गरीब पर अपना घर होगा। मोदी सरकार प्रत्येक गरीब को एक एक घर देगी 2022 तक। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा होगा। जी हां दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बड़े ऐलान जो है संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बताए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने कोरोना महामारी को देखते हुए इमरजेंसी फंड भी बनाया, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया और अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए ट्रैक पर कई पैकेज के भी ऐलान किए। तो ये काफी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि JNU छात्र शर्जिल इमाम को हिरासत में लेने असम पहुंची दिल्ली पुलिस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून और दिल्ली हिंसा के आरोप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जिल इमाम को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस असम पहुंची है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम UAPA एक्ट के तहत शर्जिल इमाम को गिरफ्तार करेगी। शर्जिल इमाम असम की जेल में बंद है, उस पर दिल्ली में CAA के विरोध के दौरान हिंसा की साजिश का आरोप है। स्पेशल सेल को शर्जिल इमाम के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद स्पेशल सेल फंडिंग और साजिश के आरोप में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर उसे दिल्ली लाएगी और UAPA के तहत गिरफ्तार करेगी। शर्जिल इमाम पर 16 जनवरी को CAA और NRC के खिलाफ अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है। इसके बाद कई राज्यों में इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी को बिहार से शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया था। फिर असम पुलिस को उसे दर्ज राजद्रोह के मामले में दिल्ली से लेकर असम भेज दिया गया था, जिसके बाद असम जेल में वह आज भी है और अब फिर पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस असम जा गई है और शर्जिल इमाम को गिरफ्तार करके फिर से दिल्ली लाया जाएगा। तो किस तरह से इसी बीच भरते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा घर में अदा करें नवाज, ऑनलाइन खरीदे बकरा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना महामारी के चलते बकरा ईद को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इस साल बकरा ईद सामान्य रूप से प्रदेश में मनाया जाना चाहिए। आगे राज्य सरकार ने कहा है कि एक बार फिर से कि धार्मिक कार्यक्रमों पर महाराष्ट्र में पाबंदी है तथा लोग मस्जिद में बकरा ईद के दिन नमाज ना पढ़ें, बल्कि घरों में ही बकरा ईद के दिन नमाज पढ़ें और बकराओं को ऑनलाइन खरीदें और बिल्कुल सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना करें। इस पर पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में बकरा ईद वाले दिन रोक रहेगी। आगे कहा कि ऑनलाइन बकरा या फिर फोन पर बकरा खरीद कर ही घर में ही कुर्बानी करें और उसके खून को सार्वजनिक स्थान पर न जाने दें, जिससे कि कोरोना महामारी ना फैले। तो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के आरोप में BJP के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की है कांग्रेस ने मांग भी। गजेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा जो भी BJP पर आरोप कांग्रेस लगा रही है वह सारे हैं गलत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि SOG की टीम ने गजेंद्र सिंह शेखावत BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की है और उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि BJP के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो भी कांग्रेस ने मेरे ऊपर ऑडियो क्लिप को लेकर आरोप लगाए हैं वह सारे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो क्लिप में आवाज सुनाई जा रही है वह उनकी है ही नहीं और वह हर जांच के लिए तैयार है। भाई आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की कांग्रेस ने मांग की और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गजेंद्र सिंह BJP मंत्री राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीद रहे थे और बात कर रहे थे, जिसके बाद उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान संकट को लेकर हरियाणा पुलिस ने
एसओजी की टीम को होटल के अंदर भी नहीं जाने दिया है। जो बागी विधायक होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की एसओजी टीम होटल के अंदर सचिन पायलट के समर्थक और कांग्रेस के बागी विधायकों का बयान लेने के लिए हरियाणा पहुंची। लेकिन हरियाणा में होटल के अंदर हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम को नहीं जाने दिया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में पायलट कर सकते हैं वापसी। देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को फोन लगाकर बात की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब पायलट की अकल ठिकाने आ गई कि पायलट को जब राजस्थान में सभी पदों से हटाया गया तो अब खुद ही पायलट कांग्रेस में वापस आने की बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देर रात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पी चिदंबरम को अपनी तरफ से फोन लगाकर बताया है कि वह फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें और चिदंबरम ने इस जानकारी को मीडिया से शेयर किया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अब खुद ही जो है सचिन पायलट वापसी करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में ताहिर हुसैन को मिली क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने पक्षपात के तहत की कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में हुए दंगों पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 9 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ पक्षपात किया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस ने चार्जशीट में मुस्लिमों को पहले आरोपी बनाया। आगे कहा गया है कि पुलिस ने ऐसा अब धारणा बनाई ताकि दंगों को CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों खास तौर से मुस्लिम से जोड़ा जा सके। वहीं इस रिपोर्ट में ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है कि दिल्ली हिंसा ताहिर हुसैन ने नहीं बल्कि BJP नेताओं ने करी है। तो ये काफी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक की आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने पक्षपात करके ही दिल्ली दंगे में आरोपियों को पकड़ा है और मुसलमानों को ज्यादा पकड़ा है। तो ये गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस पर और BJP नेताओं पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी की वजह बताई यूपी सरकार, हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार के फटकार। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की नकलऊ बेंच ने राज्य सरकार से रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की योगी सरकार से वजह पूछी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मुकदमे वापसी के संतोषजनक कारण योगी सरकार ने कोर्ट को नहीं बताए तो कोर्ट खुद ही मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इसका परीक्षण करेगा और राजा भैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तो किस तरह से देखिएगा आप कि अब जो गुंडे हैं उनके योगी सरकार मुकदमे वापस ले रही है और हाई कोर्ट को कारण भी नहीं बता रही है, अपनी तरफ से ही क्लीन चिट दे रही। तो किस तरह से अपनी कास्ट के और अपनी कास्ट के होने की वजह से लोगों को योगी सरकार संरक्षण दे रही है। तो ये काफी बड़ा उदाहरण है योगी सरकार का राजा भैया को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस ने जारी किया BJP के केंद्रीय मंत्री का आईडियो, तो संबित पात्रा ने कहा आईडियो है फर्जी, कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है अपना राज्य और इसीलिए लगा रही है BJP पर आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की ओर से BJP पर सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले में अशोक गहलोत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए उनका एक आईडियो भी वायरल हुआ है, जिसको लेकर पार्टी ने गंभीर आरोप BJP पर लगाए हैं। अब इसी को लेकर BJP प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से आज कहा गया है कि कांग्रेस ने जो भी आरोप लगाए हैं BJP पर, वह सारे वो आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से राजस्थान में परेशान है क्योंकि उसने अपना घर ही नहीं संभल रहा है, इसलिए वो फर्जी आईडियो टेप की बात कहकर BJP पर आरोप लगा रही है। तो ये गंभीर आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस से अपना राज्य नहीं संभल रहा है, इसीलिए वह खुद आरोप लगा रही है BJP पर। लिया जाए, इनको दोबारा इस आह्वान में आकर